Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So first of all, I wish you all a very happy and prosperous new year and I hope ki 2021 hamare liye ek nayi opportunity leke aayega. Jaise ki hamara 2020 gaya hai amidst the pandemic and the corona, we hope that this new year brings all the hope and joy for everyone. Baki aapko jo precaution lene hai, please do wear your mask, wash your hands frequently and avoid going into market or in a crowded place. So what do you mean by alternating current? Alternating means things which changes periodically or with time. So alternating ka matlab kya tha? Alter matlab change hona. Alter means to change. तो अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें, so we can say current which changes its direction periodically are known as alternating current. तो अगर मैं आपको इसमें एक ग्राफ बना के दिखाऊं, सपोज यहाँ पे करंट है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. सो बेसिकली करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और ये एक पीरियोडिक वैल्यू होती है आपकी. अल्टरनेटिंग क्यों कहला रहा है? सपोज आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपने आप को वापस रिपीट कर रहा है. एंड व्हाई इट इज अल्टरनेटिंग? बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट द करंट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू. ये सेम आपका वैसे ही जैसा आपने क्लास 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रही है, सेम काम यहाँ पे हो रहा है. आपका करंट देखिए दो एक्सट्रीम के बीच में वैरी कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट आपका कहलाएगा. सो करंट विच चेंजेस पीरियोडिकली विथ टाइम और चेंजेस इज डायरेक्शन पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. अब यहाँ पे हमने लिखा करंट एक टाइम का फंक्शन है. सो दिस function can be written in two forms. We can write I is equal to I naught sine omega t or I is equal to I naught cos omega t. जहाँ पे जो I naught है ये इसकी peak value है. ये जो value आप देख रहे हैं याली value, this is your I naught. ये जो value आप देख रहे हैं, this is your I naught peak value. And omega is your angular frequency. Since यहाँ पे आपका direction periodic change हो रहा है, so the best function which can be used to represent current with respect to time is your sine or cos, जिसको हम कहते हैं sinusoidal function कहते हैं. I naught यहाँ इसकी peak value या इसको हम इसका amplitude भी कहते हैं. And omega is your angular frequency. And we all know that omega is 2 pi upon t. And what is t? T is your time period. So, अगर यहाँ पे t zero है इस point पे, तो यहाँ पे जो t होगा, that will be equal to capital T. That is your time period. Time period क्या होता है? कितने time में आपका signal या current या कोई function एक अपना cycle पूरा करता है? That is known as your time period. So this was the basic knowledge of your alternating current and the same phenomena is followed by the alternating voltage also. So aaiye isme hum do concept discuss karte hain. First is average value ya average current. Ab jaise ki aapko pata hai average ka matlab kya hota hai. Average hota hai sum of all the readings upon total readings. तो अगर आप देखें नो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज करंट, जैसे आप देखें यहाँ पे अगर मुझे इन सब का इस जी करंट आपके साइकिल का इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो अगर मैं हर इंस्टेंट के करंट को जोड़ दूं और टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे एवरेज करंट मिल जाएगा मुझे. लेकिन अगर मैं एक पूरा साइकिल लेता हूँ तो देखिए
जितना अपर हाफ में सेगमेंट है उतना लोअर हाफ में सेगमेंट है, तो अगर मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो आपका नेट वैल्यू जीरो आएगा। दैट मीन्स फॉर फुल साइकिल, इसको हम लिखेंगे आई एवीजी, आई एवरेज इज जीरो। दैट मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट हाफ साइकिल। लेकिन एवरेज वैल्यू होती क्या चीज है? तो देखिए मैं आपको एक सर्किट बनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि व्हाट डू मीन बाय एवरेज वैल्यू। मान लीजिए कोई आपका एलिमेंट है, ये इट कैन बी मे बी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। यहां पे हमने लगाई एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो ये जो आपका सिंबल है, दिस सिंबल फॉर ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये जो आपका सिंबल है ये सिंबल होता है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का। तो सपोज यहां पे कुछ करंट आई आ रहा है, हमने सेम वही एलिमेंट लिया और हमने उस एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया एक डीसी बैटरी से, तो ये भी कुछ करंट आई इसमें सेंड कर रहा होगा। नाउ फुल साइकिल पे हमारा एवरेज वैल्यू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वी विल टॉक ओनली अबाउट द हाफ साइकिल। अब जब ये हाफ साइकिल में करंट सेंड करेगा, करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इसमें कुछ चार्ज जा रहा होगा, सपोज दैट चार्ज इज क्यू। अगर ये डीसी बैटरी सेम उतना अमाउंट ऑफ चार्ज इस एलिमेंट में भेजेगा जो ये एसी सोर्स इसमें भेज रहा है, तो क्या होगा, ये करंट इसकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। फिर से समझिएगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, हाफ साइकिल के लिए कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज ये इसमें सेंड कर रहा होगा। अगर इसको हटाने पे अगर मैं यहां पे एक डीसी बैटरी लगा दूं और वो डीसी बैटरी सेम वही चार्ज इसमें सेंड करे जो ये हाफ साइकिल में कर रहा है, तब ये करस्पॉन्डिंग डीसी करंट इसकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। सो व्हाट इज एवरेज वैल्यू? इट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम एज इट इज सेंट बाय दिस ऑल्टरनेटिंग सर्किट। तो आइए इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज क्या होगा भाई, करंट की वैल्यू क्या होती है, इट इज डी क्यू बाय डी टी। तो डी क्यू क्या बन जाएगा, डी क्यू इज आई डी टी, और आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये हमारी डी क्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहां पे हम किस टर्म पे इक्वेट कर रहे हैं, एक हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल में टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो से टी बाय टू डी क्यू, और हमारी डी क्यू की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमारी वैल्यू है। ये तो क्यू निकालते हैं हम लोग, क्यू कितना आ जाएगा, आई नॉट बाहर ले लीजिए, जीरो से टी बाय टू साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जीरो से टी बाय टू। ओमेगा को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी जीरो से टी बाय टू। अब लिमिट डालते हैं हम लोग, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो, पुट करिए तो कॉस जीरो बन जाएगा। क्या करना होता है, एक बार ये टी में डालिए फिर एक बार ये वैल्यू टी में डालिए, तो क्यू क्या बन जाएगा, आई नॉट बाय ओमेगा, एंड व्हाट इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज
पाई बाय टी, तो ओमेगा इंटू टी क्या बन जाएगा, टू पाई। तो यहाँ पे हम टू पाई पुट कर देते हैं, माइनस कॉस टू पाई बाय टू प्लस कॉस जीरो, तो ये बन जाएगा आई नॉट बाय ओमेगा माइनस कॉस पाई, और कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। कॉस पाई इज माइनस वन, तो माइनस कॉस पाई क्या होगा, प्लस वन। तो आई नॉट बाय ओमेगा वन प्लस वन, तो ये बन जाएगा टू आई नॉट बाय ओमेगा। अब हमको निकालना है एवरेज करंट। तो आई एवरेज क्या था, क्यू आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन, और टाइम कितना लेना है, हमें लेना है टाइम हाफ साइकिल का। तो क्यू हमारा कितना आया है, टू आई नॉट बाई ओमेगा टी, टू आई नॉट बाई ओमेगा टी और अपॉन टू। तो इस टू को आप ऊपर भेजिएगा, तो ये बन जाएगा फोर, फोर आई नॉट बाई ओमेगा टी, एंड व्हाट इज ओमेगा टी, इट इज टू पाई। देयरफॉर आई एवरेज विल बिकम टू आई नॉट बाई पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एवरेज। सो टू आई नॉट, आई नॉट क्या है, इट इज द पीक वैल्यू अपॉन पाई, टू आई नॉट बाई पाई विल गिव यू द एवरेज वैल्यू। एंड सिमिलरली अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करें, फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ई क्या बन जाएगा, ई एवरेज बन जाएगा आपका टू ई नॉट बाई पाई। ई नॉट क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज रूट मीन स्क्वायर करंट, या जिसको हम कहते हैं आरएमएस करंट कहते हैं। फिर वही काम करना है, हमने वही एलिमेंट लिया और हमने यहाँ पे एक बार कनेक्ट किया अल्टरनेटिंग सोर्स, और हमने सेम वही एलिमेंट लिया और हमने यहाँ पे एक बार कनेक्ट किया डीसी सोर्स। तो क्या हो रहा है, ये कुछ करंट जाएगा और सपोज यहाँ पे कुछ करंट आई आ रहा है। नाउ आरएमएस किस बिहाफ पे हम कहते हैं, इसको समझिएगा। देखिए, जब ये अल्टरनेटिंग सोर्स इसमें करंट सेंड कर रहा होगा, तो क्या होगा, ये करंट जब एलिमेंट जाएगा तो ये कुछ हीट लिबरेट करेगा। सपोज इससे हीट जो निकली वो एच अमाउंट ऑफ हीट है। अब अगर मैं इस सोर्स को रिमूव करके एक डीसी सोर्स लगा दूं, तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट फ्लो करेगा, और अगर ये डीसी करंट सेम वही अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करे जो ये अल्टरनेटिंग सोर्स एक फुल साइकिल के लिए कर रहा है। अब आप सोचेंगे फुल साइकिल क्यों लिया, एवरेज में हाफ साइकिल लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं फुल साइकिल, क्योंकि हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो आई का स्क्वायर कर दिया है। तो जब आप आई का स्क्वायर करोगे तो ये जो फंक्शन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं फुल साइकिल के लिए। तो फिर समझिएगा, जब एक फुल साइकिल के लिए करंट इसमें जाएगा तो कुछ हीट इसके थ्रू ये लिबरेट करेगा, लेट दैट हीट बी एच। अब मैंने इसको हटा के मैंने यहां पे लगाया डीसी सोर्स, एलिमेंट वही है आपका,
कुछ डीसी करंट निकला, और जब ये डीसी करंट इस एलिमेंट से पास करेगा, अगर ये डीसी करंट सेम वही हीट लिबरेट करता है जो ये अल्टरनेटिंग एक फुल साइकिल के लिए कर रहा था, तो ये डीसी करंट इसकी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर करंट। आइए अब इसको हम डिराइव करते हैं। तो हमारी करंट की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, हीट जो होता है उसे रेजिस्टेंस से ही लिबरेट होता है। तो सपोज इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कुछ आर है, तो किसी भी इंस्टेंट की हीट क्या होगी, छोटी सी हीट, इट विल बी आई स्क्वायर आर डी टी। सो फॉर फुल साइकिल हमारी टोटल हीट कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच जीरो से कैपिटल टी, दैट इज जीरो से टी आई स्क्वायर आर डी टी। ये आपकी हीट फॉर फुल साइकिल हो गई। नाउ इफ आरएमएस करंट फ्लोज, देन हीट क्या होगी, आई आरएमएस का स्क्वायर आर इंटू टी, दैट इज फॉर फुल साइकिल। इसको हमने 1 मार्क कर लिया, इसको हमने 2 मार्क कर लिया। अब आइए इक्वेशन 1 और 2 को हम आपस में इक्वेट करते हैं। Therefore, I RMS square R T is equal to integration of 0 से T, sorry, I not square R T. I square R DT. तो R और R को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो R को अगर हम कैंसिल करें, R यहां से हट गया, तो अगले स्टेप में हमारा I RMS square T will be equal to 0 से T I square DT. तो I RMS square क्या बन जाएगा, 1 upon T 0 से T आई स्क्वायर डी टी। अब हम आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन टी 0 से कैपिटल टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी। तो हमारा आई नॉट स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। नाउ कॉस 2 ओमेगा टी विल बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो यहां से हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये आइडेंटिटी है जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको याद होगी, बट जो हमारे कुछ बच्चे पीसीबी वाले ग्रुप के भी होंगे तो उनको ये चीज याद करनी पड़ेगी। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय टी 0 से कैपिटल टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। इसको अगर हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, वी कैन राइट 0 से टी डी टी और 2 को हमें आवाज से 2 बाहर लेते हैं, 2 हमारा था, ये 2 बाहर आ गया हमारा, माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब ये कॉस 2 ओमेगा टी है तो फंक्शन कैसा बनेगा इसका, इसका फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा। तो हम इस फंक्शन को 0 से टी इंटीग्रेट कर रहे हैं,
जितना पार्ट अपर हाफ में है उतना पार्ट लोअर हाफ में है, सो फॉर फुल साइकिल जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो जीरो आ जाएगा. सो दिस टर्म कैन बी इक्वेटेड टू जीरो फॉर फुल साइकिल. तो हमारे पास क्या बचता है, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी, जीरो से टी डी टी. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी बन के आएगा, लिमिट है जीरो से कैपिटल टी. तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी, अंदर बन जाएगा टी माइनस जीरो. देयरफॉर आई आर एम एस का स्क्वायर बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी इंटू टी, टी और टी कैंसिल. देयरफॉर आई आर एम एस स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर बाय टू, हेंस वी कैन राइट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू. सो पीक वैल्यू अपॉन रूट टू विल गिव यू द आर एम एस करेंट. और इसी लॉजिक से अगर आप आर एम एस वोल्टेज निकालना चाहो, सो सिमिलरली वी कैन राइट सिमिलरली आर एम एस वोल्टेज इज पीक वोल्टेज बाय रूट टू, दिस विल गिव यू द आर एम एस वोल्टेज. तो बेसिकली अभी हमने बात किया कि क्या होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज एंड एवरेज करंट एंड एवरेज वोल्टेज. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. एंड अब हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सीरीज आरएलसी सर्किट, जो एक बहुत ही इंटेंसिव लेक्चर होगा और आपके इस पूरे चैप्टर का वो सबसे कोर पार्ट है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस टॉपिक जो हमने आज पढ़े हैं, कि इसको हम कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप हमें प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके. सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू बकल अप एंड होप दिस न्यू ईयर अगेन ब्रिंग्स यू जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ. एंड अगेन आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. और बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं हमारे, तो इट्स टाइम कि हम अपने सीट बेल्ट को बांध लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें. बाकी हम टीम अनलॉक साइंस आपके लिए हमेशा रेडी है. Whatever help you want, we're ready to help you out. So friends, meet you in the next lecture, जिसमें हम बात करेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के बारे में. Till then, take care and have a nice day. Thank you very much.